ये प्याज बन रही है मेरी। देखिए प्याज के साथ मैंने टमाटर डाल दिए हैं, ब्राउन हो गई है थोड़ी प्याज। और प्याज के बाद टमाटर में हमने देखिए हल्दी मिर्ची धनिया सौंफ और इसमें खटाई और गरम मसाला डाल दिया है और उसे डाल के हम भून रहे हैं। और आप लोग समझ गए होंगे देख के, आज मैं बना रही हूँ खुशक चने, क्योंकि दिवाली पे नहीं बनाए थे तो आज बना रहे हैं, तो चने बना रहे हैं। और चने बनाने के लिए मैंने चने उबाल के रख लिए थे, उबालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं। और डालने के बाद देखिए इस तरह से इसको मैं चमचे से इसलिए मिलाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा फोड़ देती हूँ इनको, तो फोड़ने के बाद ये थोड़े गाढ़े गाढ़े बन जाते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये हो जाएंगे हमारे चने तैयार। तो ऐसे चने बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग बनाकर खाते हैं या नहीं कमेंट में बताइएगा मुझे ज़रूर। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और अब हो जाएंगे चने तैयार। ये हो गए तैयार, देखिए कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल बाजारू लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए, तो डेली व्लॉग में भी दिखाऊंगी थोड़ा सा मैं आप लोगों को। तो उसके लिए जा रहे हैं, देखिए कहाँ जाते हैं, पार्क में या मंदिर में जा रहे हैं, तो दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए मिलते हैं। और उससे पहले ना हम जा रहे हैं, सन्नी कह रहा था स्टोर 99 खुला है, लेकिन ये तो सुपर 99 है, तो ये ज़्यादा बड़ा तो स्टोर नहीं है, छोटा सा ही है। मैं तो समझ रही थी बहुत बड़ा होगा, तो ये बस इतना ही है जितना दिखाई दे रहा है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों को लेने लायक। सामान तो बहुत अच्छा है, वैरायटी भी बहुत है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे ना रेट बहुत ज़्यादा हाई है, कि रेट इतना हाई है कि 100 रुपये 99 रुपये में तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, बहुत कम है। हल्की फुल्की चीज़ 2-4 चीज़ें बस, बाकी सब 250, 300, 400 इस तरीके से है, काफ़ी महंगी है। तो महंगाई वाली चीज़ें हैं सब, ऐसी कोई नहीं है। और ये देखिए ये डिनर सेट वगैरह, ये कुछ भी अलग से नहीं है, जो सेट हैं सेटों के साथ हैं, तो वो सब 500, 700, 1000, 2000, 3000 इस तरह से है। बहुत महंगा है ये, सस्ता नहीं है, ये काफ़ी महंगा स्टोर है। तो यहाँ से हम वापस जाएंगे, यहाँ से हम कुछ नहीं खरीदेंगे, कोई चीज़ नहीं लेंगे। मन्नू जिद करने लगे थे खिलौने देख के ना, यहाँ पे खिलौने भी लगे हुए थे, लेकिन कोई भी खिलौना 250, 300, 400 से कम का नहीं है। जो बाज़ार में 100-100 रुपये के मिलते हैं वो यहाँ 250, 300 के लगे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ से लेना बेकार है। मैंने देखा यहाँ वैरायटी देखी, लेकिन उसके बाद जब रेट देखा तो मैंने छोड़ दिया। इस समय पता नहीं महंगाई कितनी ज़्यादा कर दी है सबने, सारा सामान बहुत ज़्यादा महंगा है। ये देखिए ये सब सामान ना इतना महंगा लगा रखा है इन लोगों ने, ये टॉय शॉप पे सस्ता मिलेगा, लेकिन ये लोग तो शायद इसी से सारा वो वसूलेंगे, मुझे तो लगता नहीं ये ज़्यादा चल पाएगा। तो देख के मैंने और इसे छोड़ दिया। ये जो हैंगर के सेट हैं और ये हैं, ये 250, 300 के हैं, बहुत ही महंगा सामान है। ये देखिए सामान तो काफ़ी है, लेकिन वही है कि यहाँ पे इनमें महंगाई बहुत है, इतना महंगा सामान नहीं ले पाएंगे, तो इसलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। इससे सही तो मॉल में ही मिल जाता है स्टोर 99, आप लोगों ने सुना होगा खुला हुआ होता है जगह जगह, उसमें 99 रुपये के प्लास्टिक का सामान और काफ़ी वैसे चीनी का भी सामान मिलता है, लेकिन ये जो है बहुत महंगा है। और यह है सुपर 99, ये स्टोर 99 नहीं है, इसका नाम चेंज है, लेकिन उसी से मिलता जुलता है, तो हम लोग धोखा खा गए थे और इसमें आ गए थे। वो हम वापस जा रहे हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं खिलौनों की, लेकिन हम नहीं लेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं, देखिए हम जा रहे हैं पार्क में बच्चों को घुमाने के लिए। हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे ज़रूर निकालिए सब लोग के पार्क में चले जाएं बच्चों के साथ। ये देखिए बहुत बड़ा पार्क है। और हम मन्नू को लेकर गए हैं, हनी नहीं आया है क्योंकि सिया की तबीयत ख़राब है, तो इसलिए हनी नहीं आया है, मन्नू आया है हमारे साथ। और मन्नू और हम सब घूम रहे हैं पार्क में, देखो अंदर जा रहे हैं, मन्नू भाग रहा है, बहुत एक्साइट है, अपने पापा मम्मी के साथ आगे आगे जा रहा है, वो भाग रहा है मन्नू, देखो वो जा रहा है, आवाज़ देने पे भी रुक नहीं रहा है वो मेरी, भागता जा रहा है, जा रहा है। तो ये पार्क की एंट्री है और अंदर जाके देखिए झूला लगा हुआ है, बस इस झूले का और ये जो दूसरा वाला झूला देख रहे होंगे हिंडोला जिसे बोलते हैं, उसका तो टिकट है, बाकी कुछ नहीं है। और ये एक्सरसाइज के लिए लगी हुई हैं, ये भी अच्छी चीज़ है पार्क में, पहले नहीं लगी हुई थी अब लग गई हैं, देखिए बहुत सुविधा दे रहे हैं ये लोग। पेड़ हमें देते हैं एक नई ऊर्जा जो करती है हमारी रक्षा, सही बात है, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। मैंने आपसे पहले बताया था कि पेड़ पौधे बोने चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, कहीं जाओ तो बीज डाल दो, सूखी जगह पर जहाँ थोड़ा सा गीला सा देखो वहाँ लगा दो, बहुत सुख मिलता है इससे। और ये मन्नू भी देखो डरते डरते झूल रहा है, और ये बच्ची शूज़ पहन के चढ़ गई थी तो शिवांगी ने इसके शूज़ उतार दिए, नहीं तो वो सारा गंदा हो जाएगा।
और देखिए बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, कितना एंजॉय करते हैं ना छोटे बच्चे। बच्चों को खुश देख के खुद भी बड़ी खुशी लगती है। तो देखिए जो भी देख रहा है मेरा उससे अनुरोध है कि देखिए बच्चों को हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार आप लोग ज़रूर ऐसी सार्वजनिक जगह पर लेके जाएं, पार्क वगैरह में, मॉल से अच्छे तो पार्क होते हैं, तो ऐसी जगह लेके जाएं जहां बच्चे घूम लें, खुश हो लें, जहां दो चार, ज़्यादातर आजकल देखिए हर पार्क में ना थोड़ा बहुत झूला वगैरह लगे होते हैं तो बच्चों को अच्छा लगती है ये चीज़ें ना, और बच्चों का मूड बदल जाता है, और बच्चों को खुश देख के मम्मी पापा का, दादी बाबा का, सबका मूड बदल जाता है। तो ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। बच्चे स्कूल बंद करके बैठे हुए हैं, नहीं बैठे, बहुत से बच्चे पार्क में आ जाते हैं, जो हमने किया था वो ये भी कर रहे हैं। एक पैर आगे एक पैर पीछे मत करियो, नहीं तो मन्नू गिर जाएगा। ये एक पैर आगे पीछे करने का ना मन्नू गिर जाएगा अगर ज्यादा जोर से करेंगे तो। धीरे धीरे करना शिवांगी, है ना, एक्सरसाइज हो रही है मन्नू की और शिवांगी की। चलाओ, मनु ने चलाने की कोशिश की, मनु से झूला नहीं चल रहा। मनु चला, शिवांगी वो तेरे मतलब का नहीं है। वो क्या है, वो लेटने वालों के लिए, वो तो बहुत भारी है। ये भी बना हुआ है ना, थोड़ा सा मनु चढ़ गया है उसके ऊपर, देखिए मुझसे ज़्यादा जल्दी नहीं चला जा रहा, तो ये मनु चढ़ गया है पार्क में ऊपर। मनु उधर रहे लग रही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है यहाँ। पार्क बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, काफ़ी बड़ा पार्क है। ये देखो ये खड़ा हो गया। चलो जय हिंद कर दो, जय हिंद करो, जय हिंद करो। देखो वो जय हिंद कर रहे हैं, तुम भी ऐसे करो, जय हिंद। बंद कर देंगे इनका, पैसे वाला जितना भी मुझे आ रहा है, ये बैठ रहे उतरते रहे। अरे भाई मनु हट जाओ, आप करो खड़ी हो, चला मामा इसकी बैटरी खा रहा है। अरे ये तो बहुत तेज चला रही है, ये तो मुझे बहुत तेज चला रही है। बस बेटा बस बस बस, मेरे तो पैर गए। और ये इसी पार्क में ना, ये देखिए मंदिर बना हुआ है ना, ये भगवान है इसमें, देखिए तो सो रहे हैं इस समय भगवान, नहीं बेटा सो गए, बाहर आओ। ये देवी माता का थान है, हनुमान जी का है, और इधर भी पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये तो नीम का पेड़ है। इस तरह से आ जाओ, बहुत अच्छा बनाया हुआ है पार्क में, ये भी सही है, भगवान बना दिए हैं छोटे छोटे। इसमें कैंटीन टाइप की है, ये कैंटीन, ये भी है इसमें पार्क में ना, अच्छी चीज़ है, दिखाई दे रही है, बढ़िया है। वो पार्क में से वापस जा रहे हैं, मनु ने बहुत एंजॉय किया है। मनु थक गए, नहीं नहीं, नहीं थके वो, हाँ अभी जाने के मूड में नहीं है। और पार्क के बाहर ना एकदम ऑन द रोड है ये चल रही है इस समय सड़क में, ये शोर शराबे की जो आवाज़ें आ रही हैं। तो हम जा रहे हैं घर, बहुत देर हो गई है, काफ़ी वीडियो बना ली, दिखाएंगे आपको एक दो दिन में। तनी मैं लेने आ रहा है ना, तो हम लोग खड़े हुए हैं, ऑटो से नहीं जा रहे हैं, लेने आएगा तो जा रहे हैं। मनु देखो खड़ा हुआ है, थक गया बहुत ज़्यादा, इसके सोने का समय है और हम कर रहे हैं वेट। ये खड़े हम लोग, ये खड़ा भैया मनु भी मॉल जाने की अपनी कर रहा है, ये इसे मॉल जाना है। तो आज का ये व्लॉग देखा आपने, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा मुझे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मुझे रिक्वेस्ट बार बार करनी पड़ रही है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, राम राम, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं।